सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा, जिससे आपको सारी अपडेट मिलेगी सबसे पहले। हे गाइस, माफिया पेड एप्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत। इस बार हम लेके आए मोटो G6 जो 6 जनरेशन है। इस वीडियो में हम बताएंगे, जिसको मोटोरोला इंडिया में लाया है 4 जून को। ये फोन आज ही रिलीज हुई है इंडिया में और ये इंडिगो ब्लैक कलर में अवेलेबल रहेगा। इसके दो वेरियंट होंगे, 32GB, 64GB, 3GB रैम रहेगा, जिसमें आपको 32GB स्टोरेज रहेगा। इसमें आपको फोन मिलेगा 3D ब्लैक ग्लास के साथ, काफी सुंदर लगेगा और प्रीमियम स्टाइलिश दिखेगा। इसमें एक आपको टर्बो चार्जर मिलेगा जो बहुत ही फास्ट चार्ज करेगा। स्टैंडर्ड USB-C टाइप केबल मिलेगी और ईयरफोन मिलेंगे और इसके साथ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलेंगे, स्मॉल और लार्ज ईयर टिप्स मिलेंगे, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसका बैक बहुत ही अच्छा है, इसका कैमरा पीछे साइड और फ्लैश एक फेस जैसे दिया हुआ है, जिससे वो और भी प्यारा लगता है इसे। और इसमें आपको 5.7 इंच डिस्प्ले मिलता है जो 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है और ये ज्यादा वेट भी नहीं है। और आगे इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, 5.7 इंच का फुल HD प्लस मैक्स विजन 18:9 डिस्प्ले मिलता है। और डिस्प्ले के ठीक नीचे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अब आगे चलते हैं, हम इसकी हार्डवेयर और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इसका प्राइस इंडिया में 13,099 रुपीज है और यही अगर आप 64GB पे जाएं तो उसकी प्राइस अप्रॉक्स 16,099 तक जाएगी। और आप इसमें 2 SIM एक मेमोरी कार्ड साथ में यूज कर सकते हैं, इसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर हम इसमें सेंसर की बात करते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिल ही रहा है और इसमें एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी कंपास और भी इसमें फीचर्स है सेंसर से। और इस फोन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मल्टी स्क्रीन पे भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। कंपनी इसमें कई सारे नए फीचर्स ऐड किए हैं, एंड्रॉइड 8 के साथ आता है ये डिवाइस और इसमें गेम भी बहुत स्मूथली चलेंगे। इस फोन में मोटो अपनी खुद की एप्स भी कुछ डालते हैं, जो मोटो यूजर है उनको उस एप्स के बारे में पता होगा, वो एप्स बहुत ही अच्छे होते हैं और बेहतरीन होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कैमरे की। कैमरे में आपको 12+5 मेगापिक्सल बैक कैमरा मिलेगी और आगे एक साइड मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा। और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर भी मिलेंगे, पोर्ट्रेट मोड, फेस फिल्टर, फेस डिटेक्टर, फेस ब्यूटी और इसमें कई सारे बेहतरीन फीचर्स कैमरे में ऐड होंगे कुछ अपडेट्स के बाद। और इस कैमरे में फेस फिल्टर के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे फोटो आते हैं और बिना फेस फिल्टर के भी इसमें फोटो बहुत अच्छे आते हैं। और इसकी इमेज क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और कलर भी नेचुरल आते हैं इसमें। और ये फोन ज़्यादा हैंग नहीं करेगा क्योंकि इसकी प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 450 CPU है। ये बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इस प्राइस में हमारे कॉम्पिटिटर 600 तक देते हैं प्रोसेसर और हमारी इसमें 3000 mAh बैटरी मिलेगी। और मैंने इसमें बताया है कि कंपनी इसमें टर्बो चार्ज दिया है जो फटाक से हम लोग की मोबाइल चार्ज हो जाएगी।